नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। कमाल का क्यों होने वाला, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लाए हैं भारत की सबसे हाईटेक लहसुन बिजाई की मशीन और इसके साथ ही आप आलू बिजाई की मशीन देख रहे हैं। ये दोनों ही मशीनें आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बनी हुई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और चैनल पर पहली बार आए तो ऐसे वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, अपना नाम बता दीजिए, थोड़ा परिचय कंपनी के बारे में बता दीजिए सर। मेरा नाम नयन पाटीदार है और हमारी कंपनी का नाम है वासु इंजीनियरिंग वर्क्स। हमारा ब्रांड नेम है पाटीदार भूत ब्रदर्स। पाटीदार भूत ब्रदर्स के नाम से कई किसान हम लोगों को जानते हैं और हम लोग कृषि उपकरण के एक बड़ी विशेषताओं के साथ में निर्माता हैं। तो कब से चल रही सर कंपनी के बारे में कुछ बताइए सर। कंपनी हमारी है सन 1991 की। आज हमारी कंपनी को 2021 में 30 साल पूर्ण होने हो चुके हैं और हम लोगों के पास में कई सारी रेंज में कृषि उपकरण उपलब्ध हैं। मतलब सीड ड्रिल के अलावा और भी कुछ बनाते हैं, तो उनके बारे में तो बात करेंगे बाद में। सबसे पहले लहसुन की हाईटेक मशीन देख रही है और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ मेरे हिसाब से अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी की मशीन शायद हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या क्या विशेषताएँ, थोड़ी डिटेल से बताइए। बिल्कुल, हमारी मशीन जो है लहसुन बुवाई की, इसके अंदर कई विशेषताएँ हैं। जैसे कि इसके अंदर जितने भी लगने वाले स्पेयर पार्ट्स हैं, गेयर हैं, बैरिंग्स हैं, पेडेसल हैं, ये सब कुछ हमारे खुद के डिज़ाइन दे करके और डेवलप किए हुए हैं। जी जी। मार्केट में मिलने वाले गेयर, पेडेसल, बैरिंग्स वगैरह हम लोग इसमें यूज़ नहीं करते हैं। जो भी इसके अंदर स्पेयर्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं उसका डिज़ाइन हम लोगों ने खुद कंपनियों को दे करके और डेवलप करवाया हुआ है। तो कुछ विशेषताएँ दिखाते जाइए किसान भाइयों को, क्या क्या नई चीज़ मिली है। हमारी जो विशेषताएँ हैं इस मशीन में, सबसे पहले ये है, इस पूरी मशीन हमारी जो है फोल्डिंग है। दाते से दाते की दूरी जो है वो 4 इंच आएगी और लहसुन का जो बीज गिराने की दूरी है वो हम लोग इसमें पीछे हम लोगों ने एक सिस्टम दिया हुआ है जो हम लोग चेंज कर सकते हैं। 3 इंच से लगा करके 8 इंच तक की दूरी हम लोग इसमें बीज की गिरा सकते हैं। बीज से बीज की दूरी कम ज़्यादा करके बीज की दूरी जो है वो हम लोग इसमें 3 इंच से लगा करके 8 इंच तक कर सकते हैं और बाकी जो किसान की मांग रहती है उसके हिसाब से भी हम लोग इस मशीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो रेगुलर रूटीन वाला मॉडल हम लोगों का है ये हम लोगों के पास में एडवांस पे मिल सकता है और अगर किसान इसमें कुछ कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं जी जी तो मेरा किसान भाइयों से यही निवेदन रहेगा कि वो पहले आकर के मशीन ऑर्डर करें, उसके बाद में हम लोग उनको मशीन डिलीवरी दे पाएंगे। उसके लिए डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। डिलीवरी में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कस्टमाइज उनके हिसाब से वो करवा रहे हैं तो उसको बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि रेडी कंडीशन में तो है नहीं है। कंडीशन में जो रेगुलर रूटीन का मॉडल होता है वो हम लोगों का अवेलेबल होता है। हमारी मशीन के अंदर एक पहिए की भी विशेषता है। पहले हम लोग पहिए की जगह पर यहाँ पर बुशिंग हुआ करती थी, आज भी दूसरी मशीनों में बुशिंग आ रही है। इसमें हम लोगों ने पूरा बैरिंग का काम कर दिया है, उसके बाद में ये पहिया जो है पूरा झूले के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, इससे क्या है कि पहिया मशीन जब चल रही है अपनी तो पहिया हमेशा लोड के कारण चलता ही रहेगा, मिट्टी फंसने से जाम नहीं होगा, किसी चीज़ से रुकेगा नहीं। पहिया हमेशा आगे की साइड में दबा हुआ रहेगा, मशीन जब चलेगी तो ऑटोमेटिक ज़मीन के अंदर दब के और पहिया हमेशा घूमता रहेगा। विशेषता और है, जो अपना ये जो दाता है जो आप ये देख रहे हैं, ये दाता जो मेयर के ऊपर जो लहसुन का बीज गिराने के काम का होता है, ये दूसरी मशीनों में किसी में नहीं आता। ये एक अपनी एक विशेषता है इसके अंदर। इससे ये जो है ये दाता फोल्डिंग है, इससे किसान भाई जो है इस दाते की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे ये दाता हो सकता है, जिससे कि जो बीज है अपना वो मिट्टी के अंदर गिराना है तो मिट्टी के अंदर भी गिरा सकते हैं, ज़्यादा गहराई में गिराना है ज़्यादा गहराई में भी गिरा सकते हैं। दूसरी मशीनों का माइनस पॉइंट एक ये होता है कि दूसरी मशीनों में जो सिस्टम ये दिया हुआ है उसमें ये सिस्टम रहता है कि या तो वो बीज मिट्टी के ऊपर ही रह जाता है और अधिक गर्मी होने के कारण वो बीज ऊपर ही सूख जाता है, उसका जर्मिनेशन फेल हो जाता है। ये एक विशेषता है अपनी इसके अंदर है, इसीलिए इस दाते को हम लोगों ने फोल्डिंग सिस्टम पे बनाया हुआ है। तो सर सारी बात तो आपने बता दी, अब मेन चीज़ वही है कि इसमें बीज कैसे उठाते हैं और कैसे गिराते हैं, जैसे आम मशीनों की तरह ये भी बीज उठाती है या फिर इसमें कुछ अलग सिस्टम दिया गया है। टेक्निक इसमें वही है पर इसमें जो काम करने का तरीका है, जो स्पेयर हम लोगों ने इसमें लगाए हैं वो सबसे अलग है, वो मार्केट में किसी के पास नहीं मिलेंगे। जैसे इसके अंदर हम लोगों ने जो कटोरियाँ लगाई हुई है बीज को उठाने के लिए और बीज को ज़मीन के अंदर गिराने के लिए, उसकी विशेषताएँ ये है, जैसे कि हम लोगों ने जो इसके अंदर कटोरियाँ लगाई है बीज को उठाने के लिए, इसमें इस साइड से बीज उठेगा, फिर जब ये चेन के ऊपर चल के और कटोरी अपनी पाइप के अंदर बीज गिराने के लिए आएगी तो उसमें ये बीज पलट जाएगा
और ये इसके नीचे जो दूसरी कटोरी रहेगी उसके ऊपर आ करके टिक जाएगा। दूसरी मशीनों में क्या है कि ये सुविधा नहीं होने के कारण बीज वहीं से सीधा नीचे गिर जाता है। और इसमें एक सुविधा ये भी हम लोगों की कि ट्रैक्टर जब चलता है, किसानों की शिकायत हम लोगों को मिली है, किसान हम लोगों को बताते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसके अंदर ये नया करेक्शन किया है कि जब ये मशीन चलती है और कहीं रुकी तो जितनी भी बीज इसके ऊपर रखे हुए हैं ये बीज सीधे गिरेंगे नहीं। जहाँ मशीन रुकी वो बीज भी वहाँ एक कटोरी से बीज गिर के और दूसरी कटोरी पे आके रुक जाता है, और जब मशीन चालू होती है तभी वापस से वो बीज नीचे जाके गिरेगा। और इसमें एक ख़ास बात ये है कि 90% जो है बीज से बीज की दूरी जो है वो बराबर मिलेगी आपको। स्पेशल इन कटोरियों की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ मशीन रुकी वहाँ बीज सारा गिर जाता है, तो उसमें क्या होता था पहले कि यहाँ से थोड़ा दूर जब मशीन चला अपना, तब तक तो कटोरी में जिसमें बीज रखा हुआ था वो बीज गिर गया और जो खाली हो चुका था वो आगे नहीं मिलेगा, इतनी दूरी पूरी खाली चली जाती है। तो सर आपका जो बीज गिराने की इसकी एक ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो कि इतने परफेक्ट तरीके से काम करती है, थोड़ा किसान भाइयों को बताइए सर। बिल्कुल, इसमें बीज गिराने की जो टेक्निक हम लोगों की है वो हमारा कस्टमाइज है, कस्टमाइजेशन किया हुआ है हम लोगों का। तो डिज़ाइन तो मैं आपको इसमें वीडियो के थ्रू नहीं दिखा सकता हूँ, बट हाँ जो भी किसान भाई जो भी इस मशीन को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लिंक में नीचे हमारा एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस में एक बार आपको बता भी देता हूँ, राव पीथमपुर बाईपास रोड पर हम लोगों का ऑफिस है, हमारा शोरूम भी वहीं पर है। आप यहाँ आकर के हमारा मशीन देख सकते हैं, इसका जो टेक्निक है वो भी आप देख सकते हैं। सर एक मेरा डाउट हो, जो हो सकता है किसान भाइयों का भी एक डाउट हो, क्योंकि बहुत सी मशीनें मैंने देखी है जिनमें काफ़ी मात्रा में बीज बच जाता है, तो क्या ये समस्या इसमें भी आती है या वो उसका कोई उपाय निकाला आपने? बिल्कुल, इस अच्छा सवाल किया आपने। इन जो चल रहा है बीज लेकर के, उसके एक कंपार्टमेंट में, एक पार्टीशन में मुश्किल से एक मुट्ठी भर के और बीज बचता है, बाकी सारा बीज चेन के माध्यम से जितना बुआई करना होता है उतना पूरा लग जाता है। तो सर एक बात और बताइए हमारे किसान भाइयों को जी, क्योंकि बहुत सी मशीनें ऐसी होती है जो चलते वक्त लहसुन के जो कली होती है, दाना जो भी बोल दो, उसको तोड़ फोड़ देती है, फिर उसका छिल जाना होता है और छिलने की वजह से उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता, तो इसमें भी वो संभावना? बिल्कुल सही है, हमारी जो मशीन है इसमें हम लोगों ने जो टेक्निक यूज़ की है इसमें बीज बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। इसको जो हम लोगों ने चेन चलाने के लिए जो ट्रैक बनाया हुआ है इसमें बीज का नुकसान नहीं होता, और बीज का नुकसान वहीं होता है जहाँ से चेन से कटोरी में जब बीज आता है उस टाइम पे ही कहीं बीज में आपस चेन में टकराने से या कटोरी में फंसने से बीज छिल जाता है और उसका जर्मिनेशन किसान को प्रॉपर नहीं मिल पाता। इसका निराकरण हम लोगों ने इस मशीन में किया हुआ है, और हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट मशीनों के ऊपर कुछ किसान भाइयों के सुझाव के माध्यम से करते रहते हैं। इतनी हैवी मशीन दिख रही, इतनी टेक्नोलॉजी के साथ आपने इस मशीन को दी है, तो इसका अप्रोक्स वज़न कितना होगा? वज़न इसमें मुश्किल से 400-425 किलो के समथिंग होगा। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी वज़न काफ़ी कम है। इसका विशेषता वज़न कम करने की यह है कि इसमें बीज भरने के बाद में जब मशीन में वज़न और बढ़ जाता है तो आगे से ट्रैक्टर उठने की किसान भाइयों की समस्या आती है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका वज़न कम रखा है। मशीन में जो आप मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, चाहे रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो किस क्वालिटी का होता है? जो रॉ मटेरियल हम लोग इस मशीन में यूज़ करते हैं, इसमें नहीं जितने भी इम्प्लीमेंट्स हम लोग बनाते हैं सभी में हम लोग ए ग्रेड का मटेरियल यूज़ करते हैं। ये जो शीट आप देख रहे हैं ये शीट पूरी हम लोगों की पॉस्को कंपनी की है, GI शीट यूज़ करते हैं हम लोग। लोहा जो है लोहा हम लोग पूरा सेल कंपनी का यूज़ करते हैं, मतलब मटेरियल में हम लोग पूरा ही रॉ मटेरियल ए ग्रेड का यूज़ करते हैं, वो फिर चाहे शीट हो, चाहे लोहा हो, चाहे नट बोल्ट्स हो, सारी चीज़ें हम लोग ए ग्रेड की यूज़ करते हैं। तो सर इतनी विशेषताएं मशीन की बताते जा रहे हैं, तो और भी कोई बच गई क्या विशेषताएं? विशेषताएं और खूबियां तो बहुत हैं हमारी मशीनों में। जो भी किसान भाई और भी इस मशीन को अच्छे से जानना चाहते हैं वो नीचे दिए गए एड्रेस पे हमारी फैक्ट्री आकर के, हमारे शोरूम आकर के मशीन देख सकते हैं और इसकी और भी खूबियां जान सकते हैं। तो सर ये मशीन तो काफ़ी बढ़िया लगी किसान भाइयों को, यकीनन अच्छी लगी होगी। अब हम आलू के प्लांटर की तरफ आ जाते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। ये भी काफ़ी कुछ मेरे को नया और एंटिक पीस में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये जो है हम लोगों का ऑटोमेटिक आलू बोने का मशीन है, इसमें ऑटोमेटिक आलू बुआई होता है। जो सादा प्लांटर होता है जिसमें लेबर लगती है, आजकल आप सभी किसान भाई जानते हैं कि लेबर की बड़ी दिक्कत होने के कारण आजकल सभी किसान भाई ऑटोमेटिक प्लांटर में जा रहे हैं। तो बताइए सर और भी क्या विशेषताएं इस मशीन की? विशेषताएं मशीन के अंदर बहुत हैं, जैसे हम लोगों ने इसके अंदर एक सिस्टम ये दिया हुआ है, गेयर सिस्टम, जिससे किसान भाई जो हैं अपने आलू की दूरी उनके मांग के अनुसार सेट कर सकते हैं। दूर चाहें तो दूर, पास चाहें तो पास, दूरी और पास हम लोग गेयर के माध्यम से
सेट कर सकते हैं। के साथ में हम लोगों ने इसमें वाइब्रेशन सिस्टम भी दिया हुआ है। वाइब्रेटर सिस्टम जो है हम लोगों का, वो इधर मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। क्या वाइब्रेशन का, वाइब्रेटर का काम क्या रहता है? वाइब्रेटर का काम ये रहता है, जो कटोरियाँ आप इसमें देख रहे हैं, इन कटोरियों के ऊपर जब एक के अंदर एक दो आलू जब जाते हैं, तो उसको एक आलू को गिराने का काम वो वाइब्रेटर करता है। यानी कि कटोरी पर ज़्यादा आलू चढ़ जाएंगे तो वाइब्रेटर सारे गिरा देगा, एक ही रखेगा, एक ही बीज उसके ऊपर रहेगा, बाकी के बीज जो हैं वो गिर जाएंगे। तो सर अभी जैसे अपन ने वो लहसुन प्लांटर देखा, वो पूरी फोल्डिंग मशीन थी, तो क्या ये भी पूरी तरह से फोल्डिंग है क्या? बिल्कुल, ये भी पूरी तरह से फोल्डिंग है। जो बेड का आलू होता है, जिसको किसान बोलते हैं बेड का आलू, वो भी हम लोग इसके माध्यम से बो सकते हैं। मशीन पूरा फोल्डिंग है, मशीन को हम लोग सेट कर सकते हैं। बेड का आलू जो है वो आप 12 इंच, 32 इंच और 42 इंच, तीन साइज़ पे आप बेड का आलू बो सकते हैं। और जो गरड़ का आलू होता है, 22 इंच, 23 इंच और 24 इंच, ये तीन साइज़ पे आप इसको सेट कर सकते हो। टोटल ये मशीन 6 साइज़ के आलू बो सकती है। साथ में फर्टिलाइज़र बॉक्स भी हम लोगों ने मशीन के ऊपर लगाया हुआ है, जिसमें बुआई के टाइम पे ही बीज के साथ में खाद को भी हम लोग ज़मीन में गिरा सकते हैं। तो सर जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आपने इसमें बोल्ट काफ़ी ज़्यादा लगा रखे हैं, यहाँ कहीं पे भी देख लो जी। और बाकी मशीनों में देखता हूँ वो वेल्डिंग ज़्यादा देते हैं, तो ये कोई स्पेशल कारण है इसका या फिर क्या है? जी एक्चुअली हम लोग क्या है कि हम लोगों के पास में CNC मशीनरीज हैं, हम लोग वेल्डिंग का काम बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर हम लोग फोल्डिंग सिस्टम पे ही काम करना पसंद करते हैं। जहाँ वेल्डिंग होता है, लोहे की पेटी जो अपनी है, वो हमेशा जंग लगना और सड़ना वहीं से चालू होती है। लोहे में आप भी जानते हैं सड़ना और गलना आम बात होती है। वेल्डिंग जितना कम रहेगा, उतना सड़ना और गलना लोहे का कम रहेगा। तो हम लोग जितने भी पेटियाँ बनाते हैं, जितनी भी मशीनें बनाते हैं, उनमें हम लोग 90% नटबोल्ट सिस्टम से फोल्डिंग रखना ही पसंद करते हैं। अच्छा, मैं सोचा कोई स्पेशल दूसरा कारण है, आपने तो बहुत ही बढ़िया कारण बताया, ताकि उन किसान भाइयों को समझ में आए कि वास्तव में वेल्डिंग में और नटबोल्ट में क्या फ़र्क होता है। जी वो तो है ही, कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो हम लोग उसको फोल्डिंग होने का ये फ़ायदा है कि उसको उतना खोल करके और रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो सर जैसे कि आपने लहसुन प्लांटर में पहिया पीछे की तरफ दिया है, इसमें आपने आगे की तरफ दे दिया, इसका कोई स्पेशल कारण है क्या? नहीं, एक्चुअली क्या है, उसमें आगे जगह नहीं होने के कारण उसमें पहिया पीछे ही लगना होता है। और दूसरी मशीनों में, जैसे आप ये आलू का प्लांटर देख रहे हैं, इसमें आगे पहिया है, ये किसान की डिमांड के अनुसार होता है। इसमें आपको आगे भी पहिया मिल सकता है, पीछे भी पहिया मिल सकता है, जैसा किसान ऑर्डर करता है, डिमांड करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मशीन को बनाते हैं। इसमें आगे भी पहिया मिल जाएगा और आपको पीछे भी पहिया मिल जाएगा। तो सर जैसे कि मैं एक कटोरी देख रहा हूँ, इन कटोरी की और भी कोई विशेषता है क्या? इसकी ये विशेषता है, जैसे कि अभी जो आप कटोरी इसके अंदर ये लगी हुई देख रहे हैं, ये बड़े साइज़ का आलू की बुआई करने के हिसाब से है। इसी के साथ में हम लोग आपको स्पेयर में एक छोटी साइज़ का कटोरी देते हैं, जिससे कि आप छोटी साइज़ का जो बीज है वो आसानी से इसमें लगा सकते हैं। बड़ी कटोरी होने के कारण जब इससे आप छोटा बीज बोएंगे, तो उसमें जो है डबल बीज जाने की शिकायत रहती है। बट जो हम साथ में आपको स्पेयर में छोटी कटोरी दे रहे हैं, वो इसके अंदर आप आसानी से फिट करके और उसके अंदर छोटा बीज भी आप लगा सकते हैं। तो सर ये दोनों मशीनें तो बहुत ही बढ़िया लगी पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो, क्योंकि मैं खुद भी किसान परिवार से आता हूँ, इनकी ज़रूरत लगभग जो किसान लहसुन और आलू की बिजाई करते हैं उनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ये। तो वैसे आपकी फैक्ट्री में मैं घूम के देख रहा था, काफ़ी चीज़ें और भी आप बनाते हैं, तो क्या क्या बनाते हैं थोड़ा सा किसान भाइयों को दिखा दीजिए। बिल्कुल, हम लोग जो हैं सीड्रिल बनाते हैं, जिसमें हम लोग गेहूं, चना, सोयाबीन तीनों की बुआई कर सकते हैं। हम लोग कल्टीवेटर बनाते हैं, ट्रॉली बनाते हैं, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल प्लाव बनाते हैं, तीन दाते में भी हम लोग प्लाव बनाते हैं। उसके बाद में हम लोगों के पास में गार चढ़ाने के लिए जो सोयाबीन में लगता है, उसके डोरे भी बनाते हैं। और भी बहुत सारे उपकरण हम लोगों के पास में हैं, जो हम आपको दिखाएंगे।
तो सर यकीनन किसान भाइयों को ये मशीनें भी पसंद आई और आपकी फैक्ट्री में जितने भी इम्प्लीमेंट बन रहे हैं वो भी पसंद आए हैं। तो अगर कोई किसान भाई इनको ख़रीदना चाहता है तो उनको क्या प्रोसेस है, क्या करना रहेगा? बिल्कुल, जो भी किसान भाई हमारी मशीनरी जितनी भी हम लोगों ने आपको अभी दिखाई है, अगर कोई किसान भाई इच्छुक हैं हमारी मशीनरी ख़रीदने में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हम लोगों ने नीचे लिंक में आपको दे ही रखा है, आप लोग उससे संपर्क करके और हम लोग आपको उसमें प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं कि आप हमारी मशीन कैसे परचेस कर सकते हैं। आप यहाँ आकर के हमारी मशीन लेना चाहते हैं तो हम उसमें भी काम कर सकते हैं, और आप अगर नहीं आ सकते हैं तो हमारे पास में एक सुविधा और है कि आप हमारे दिए गए बैंक अकाउंट वगैरह में आप पैसा जमा करके और हम आपको यहाँ से मशीन भेज सकते हैं, मतलब होम डिलीवरी करवा देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मशीनें कैसी लगी इस बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। और जैसा कि सर ने बताया कि अगर आपको इनको ख़रीदनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।